ईद के बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसके साथ दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के झालावाड़ में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्विटर से लेकर फेसबुक पर शेयर किया गया है। तो क्या वाकई में राजस्थान के झालावाड़ में ईद के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे? वीडियो को गौर से सुनने पर ऑल्ट न्यूज को तीन टाइम फ्रेम में तीन तरह के अलग अलग नारे सुनाई दिए, लेकिन इनमें पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि मजहब इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगे हैं। जवाब देते हुए झालावाड़ पुलिस ने इस मामले पर जांच जारी होने की बात बताई है। 4 मई को इमरान रंगरेज नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए बताया कि मजहब इस्लाम जिंदाबाद के नारे को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताकर मनगढ़ंत अफवाह फैलाई जा रही है। आवर के एक स्थानीय व्यक्ति ने ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने फर्जी खबर फैलाने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया, लेकिन वीडियो में दिख रहे 2 मुस्लिम व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने पत्रिका की एक रिपोर्ट भेजी जिसमें बताया गया है कि वीडियो की जांच साइबर सेल ने की थी, लेकिन इसमें कोई देश विरोधी नारा नहीं सुनाई दिया। हालांकि आर्टिकल की हेडलाइन पूरी तरह से भ्रामक है। पगरिया के SHO राम प्रसाद ने बताया कि वीडियो में कोई देश विरोधी नारे नहीं सुने जा सकते हैं। तनावपूर्ण स्थिति के कारण पुलिस ने दोनों मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया है। यानी सोशल मीडिया पर ईद के बाद राजस्थान का एक वीडियो शेयर करते हुए गलत दावा किया गया कि लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए। साइबर सेल द्वारा जांच किए जाने पर सामने आया कि वहां कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लगे थे।